सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आप अगली वीडियो घंटा ना मिस कर पाए। तो भाई यार कभी क्या होता है कि कोई हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करता है और उस मैसेज को तुरंत डिलीट कर देता है, तो हम उस मैसेज को पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि यार वहां पर लिखा रहता है दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, कुछ इस टाइप का। तो मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप ऐसे मैसेजेस को कैसे पढ़ पाएंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं ना, ये तभी पढ़ पाएंगे जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, और स्किप करके देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा और फिर आप यही बोलेंगे। तो यार छोड़िए, चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो भैया चलिए, सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है एंटी डिलीट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें एंटी डिलीट एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सर्विस नॉट रनिंग का ऑप्शन है, इसे इनेबल कर देना पड़ेगा। इनेबल करने के लिए परमिशन नीडेड का ऑप्शन है, तो यहाँ अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में एंटी डिलीट के ऑप्शन पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में फिर से यहाँ अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद में फिर से हम इनेबल कर देंगे, तो ये इनेबल हो जाएगा। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं, यदि कोई अब मैसेज को सेंड करता है और तुरंत डिलीट करता है तो हम कैसे देख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे मोबाइल में दो व्हाट्सएप को ओपन किया हूं। तो जैसा कि ये हमारा व्हाट्सएप, ये रहा फर्स्ट वाला व्हाट्सएप है और ये हमारा जो है सेकंड डुअल व्हाट्सएप है। तो भाई चलिए सबसे पहले हमें यहां सेकंड व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में यहां पर हम इस नंबर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में यहां पर हम कुछ सेंड करते हैं, हाई सेंड करते हैं। हाई सेंड करने के बाद में यहाँ पर जैसा कि ये देख सकते हैं गया। अब हम यहाँ पर फिर फर्स्ट व्हाट्सअप को ओपन करके आपको दिखाते हैं, ये आ गया हाई। अब हम फिर से डुअल व्हाट्सअप को ओपन करते हैं, फिर से यहाँ पर से हाई लिखकर भेजते हैं और है कि नहीं, हेलो लिख के भेजते हैं, हेलो लिख कर भेजते हैं। और भेजने के बाद में अब इसे हम क्या करते हैं, अब इसे यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। अब ये हमने डिलीट कर दिया, डिलीट फॉर एवरीवन पर क्लिक करके ओके के ऑप्शन पर क्लिक करके। फिर उसके बाद में अब हम यहाँ पर से इस व्हाट्सअप को हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर इस मैसेज वॉज डिलीटेड का ऑप्शन आया। तो भाई यार अब हम इस मैसेज को कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बैक आ जाना पड़ेगा। बैक आने के बाद में अब हमें एंटी डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर, यानी कि एंटी डिलीट एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए एंटी डिलीट के ऑप्शन को ओपन करने के बाद में फिर से यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, हमें जो व्हाट्सअप पर मैसेज आया है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये हमें यहाँ पर जैसा कि आया है, ये जैसे कि देख सकते हैं टाइम अभी 11:51 हो रहा है और 11:50 बता रहा है। यहाँ पर सेंडर का नेम है जो निक जॉन है, जो ये बता रहा है। और हमने जो भेजा था, जो मैसेज डिलीट हुआ है, उसका नाम हेलो है। तो आज जैसा कि ये देख सकते हैं, और मैसेज का यहाँ पर ऑप्शन यहाँ हेलो है। तो मैं आपको बता दूँ, इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और मैं दूसरा यदि बता दूँ, फिर से चलिए मैं कुछ लिख कर बता देता हूँ। यहाँ पर फिर से डुअल व्हाट्सअप को ओपन करते हैं, यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, चलिए फटाफट। फिर लिखने के बाद में अब हम इसे सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद में फिर से इसे हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर से क्लिक करके फिर से इसे डिलीट फॉर एवरीवन पर क्लिक कर देते हैं। फिर से हम व्हाट्सअप को दूसरे पहले व्हाट्सअप को ओपन करते हैं, तो यार यहाँ पर से फिर से वो मैसेज जो है लिखा आ रहा है, दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, 11:52 का मैसेज है। तो सबसे पहले फिर से अब हम एंटी डिलीट के एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में फिर से यहाँ बैक आकर फिर से इसे हम रिफ्रेश कर देते हैं। तो फिर से ये देखिए मैसेज हमारा आया है, जो हमने टाइप किया था, हाई माई नेम इज रविंद्र, आई एम यूट्यूब। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज आ गया। तो यार मैं आपको बता दूँ, इसी तरीके से आप डिलीट किए हुए मैसेज को पढ़ सकते हैं। सर उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।